हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबके बहुत कमेंट थे कि जो मॉन्ट मार्टे किले आता है उससे हमने लिप्पन आर्ट बनाया है, पर वो जगह जगह से क्रैक हो रहा है। इसकी जगह हम कौन सा किले यूज कर सकते हैं या फिर इस किले को कैसे यूज कर सकते हैं? कई बार मेरे पास कमेंट आए थे, लेकिन मैं इस किले को पहले कभी यूज नहीं किया है, पर आप सब लोगों के इतने कमेंट थे कि मैंने आज इस किले को मंगाया है और आज मैं इसी से लिप्पन आर्ट बना रही हूँ। तो जो मैं बना रही हूँ, जो मैं फेस कर रही हूँ, तो वो मैं सब आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी और आज हम इसी से हम अपनी लिप्पन आर्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे जो डिजाइन बनाना है मैं उसके अकॉर्डिंग लाइन खींच लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद में डिजाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे को जो भी डिजाइन बनाना है मैंने उसके अकॉर्डिंग बीच में मार्क कर लिया और अब निकालूंगी किले। किले निकालने का बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। मैं देखना चाहती हूँ अंदर से ये किस तरह का है, क्योंकि ऊपर से जब पेस्ट को मैं हाथ से प्रेस करके देख रही हूँ तो बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट मुझे फीलिंग हो रही है उस बॉक्स के अंदर जो ये है। चलो काट कर देख लेते हैं ये कैसा पेस्ट है। और ये मैंने इसको कट करके देखा अंदर, तो थैंक गॉड ये व्हाइट पेस्ट है और काफी सॉफ्ट है और इसमें दो तरह के पेस्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, तो हमारा जो मिक्सिंग का टाइम है वो बच जाएगा और काम भी हमारा जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेस्ट तो अच्छा है, क्योंकि बस फटाफट से बेलेंगे और लगाते जाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पैकेट में से निकाल लिया है, क्योंकि पूरे को अगर हवा लगी और सूख गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो जितना चाहिए उतना निकाल रही हूँ मैं। इस पेस्ट को जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो एकदम स्पंज जैसी फीलिंग आ रही है, यानी कि जैसे हमने दबाया फिर वो सिकुड़ जाता है, फिर वो ऊपर उठ जाता है, तो एक अलग सी फीलिंग है इस पेस्ट के अंदर। तो चलिए यूज भी कर लेते हैं। अब मैं सबसे पहले इसके रोल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं लिप्पन आर्ट ही इससे बना रही हूँ। जितने भी मुझे कमेंट आए हैं सारे यही आए हैं कि इससे हमने लिप्पन आर्ट की है तो ये परेशानी आई है, या क्रैक हो गया, या सूखा नहीं है, या फिर है ना जगह जगह से सही नहीं आ रहा है, बेलने में इक्वल नहीं आ रहा। तो बहुत सारी क्वेरीज थी इस किले को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं इसे रोल कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इसका लिप्पन आर्ट ही बनाऊंगी। तो आज मैं इसको रोल कर रही हूँ। एक जैसी थिकनेस चाहिए, जैसा कि हम हमेशा बेलते हैं, बिल्कुल एक जैसा प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो आर्ट अच्छी लगेगी। पर इससे क्या हो रहा है, ये तो मैं बेल रही हूँ लेकिन बेलने के बाद में वापिस वो वहीं की वहीं पे सिकुड़ रहा है। पता नहीं, मैं बेलती तो जा रही हूँ पर फूल भी एक जैसा नहीं आ रहा है, जैसा कि हमेशा बनाती हूँ वैसा नहीं आ रहा है। इससे डोरी वैसी परफेक्ट नहीं बन रही जैसी कि हम अपने वाले किले से बनाते हैं। कहीं से मोटी आ रही है, कहीं से पतली आ रही है। और ये मैंने MDF की स्पेस जो मेरे पास में है, जिससे मैं हमेशा सही कर लेती हूँ बेस से, उस बेस से भी सही कर रही हूँ, पर फर्क नहीं पड़ रहा इसके लिए को। जितना ज्यादा बेल रही हूँ उतना ही ज्यादा स्पंजी होके सुकुड़ रहा है। चलो प्लेन सरफेस से थोड़ा सा देर और कर लेते हैं, शायद अच्छा हो जाए, पर कोई फायदा नहीं होगा और टाइम भी मेरा बहुत लग गया इसको एक सा करने में, बहुत सारा टाइम लग रहा है। पर ये किले की डोरी मेरी परफेक्ट नहीं बन रही, तो अब जैसा बेला है मैं वैसा ही लगा लेती हूँ। एक ना रबड़ की तरह दिख रहा है, जैसे कि हमने रबड़ को तानते हैं तन जाती है और फिर सिकुड़ जाती है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है इससे। तो कहीं से भी मैं बेल रही हूँ तो परफेक्ट नहीं आ रहा। चलो अब इसको लगा लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि लगाना तो है ही मेरे को। और पता है ये कैसा लग रहा है, जैसे हम मैदा को मार कर उसको बेलते है ना, तो मैदा सिकुड़ती है बेलने के बाद में, सेम फीलिंग, एग्जैक्टली वही फीलिंग है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैदा बेल करके मार रही हूँ। गिलू भी अच्छे से लगा लेती हूँ, कहीं मालूम पड़ा कि ये स्टिकी नहीं हो रहा है, तो मैंने थोड़ा गिलू ज्यादा ही लगा लिया है जिससे कि ये स्टिक तो हो जाए कम से कम अच्छी तरह से। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो पानी लगा के सही कर लेती हूँ, चिपका लेती हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है अगर कहीं से भी जरा भी ड्राई हो रहा है या फिर कहीं एक सा सरफेस करना है तो आप पानी लगा के सही कर सकते हैं। तो मैं इनके ज्वाइंट को पानी लगा के बिल्कुल परफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। पर जो इस पेस्ट के अंदर सिकुड़ने वाली बात है ना, वो कहीं पर भी चीज को एडजस्ट नहीं होने दे रही है, ना वो परफेक्ट बेलने दे रही थी और ना ही ज्वाइंट को भी परफेक्ट नहीं कर रही है। तो इस किले में कुछ तो है जिससे लोग परेशान हो रहे थे। आगे मैंने इसको मोल्ड में भी यूज किया है, क्योंकि हो सकता है ये परफेक्ट लिप्पन आर्ट के लिए ना हो करके मोल्ड के लिए हो, तो वो भी मैं बताऊंगी उसके संग में भी मेरे साथ में क्या हुआ। तो इसको मैंने ग्लू लगाकर अच्छे से स्टिक कर लिया और सारे कॉर्नर्स में भी पानी लगा के मैंने ज्वाइंट भी कर लिए हैं। बट इसकी जो डोरी है वो एकदम फिनिशिंग वाली नहीं है, तो मैं इसके ऊपर रोप का डिजाइन बना देती हूँ, जिससे कम से कम वो रोप का डिजाइन बन जाएगा तो ठीक लगेगा। पर इससे जब मैं रोप का डिजाइन बना रही हूँ तो वो तो बहुत अच्छा आ रहा है और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है,
और स्पॉन्जी जैसा डिजाइन बीच में से दिख रहा है, तो वो चीज तो इससे अच्छी आ रही है। तो यहाँ मैंने डिजाइन बना लिया, थैंक गॉड। डिजाइन बनाने के बाद में कम से कम इसकी जो कमियां थी वो अब नहीं दिख रही। चलिए इसकी रोटी भी बेल लेते हैं। और क्ले की तरह मैंने मोल्ड से कैसे यूज किया है वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसकी थिक रोटी बेल ली और उसके बाद में जो मेरे पास मोल्ड है, कटर है, इनसे मैंने इसमें फ्लावर काटे हैं। फ्लावर काटने के बाद में जैसे बिल्कुल एकदम परफेक्ट किनारी से कटना चाहिए ना, वो ना होकर के रेसा रेसा बाहर आ रहा है। तो काफी सारा रेसा था जो एक कागज का होता है जो हम क्ले में मिक्स करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो उसको भी मैंने पानी लगा के सही किया, उनको रेसे को अंदर किया, क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाएगा तो बाहर अच्छे नहीं लगेंगे रेसे, एक फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो मैंने उसको पानी लगा के सही किया। फ्लावर को मैं चारों कॉर्नर पे लगा लेती हूँ, अच्छे लगेंगे। और फ्लावर के साथ में मैंने बीच में एक डोरी भी लगा दी है और उसके साथ एक बेल बन गई। तो मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम कुछ ज्यादा ही बर्बाद हो गया इसके लिए को यूज करने में। इतनी देर में तो अगर मैंने कोई अपना वाला के लिए यूज किया होता तो शायद अभी तक आर्ट बन भी गई होती। मैंने यहाँ पर कलर करेंगे। आप सभी के बहुत कमेंट थे इसके लिए को लेकर के, कई बार मेरे पास में इसके लिए को लेकर के कमेंट आए हैं कि वो सिकुड़ जाता है या वो क्रैक हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगा कर देख ही लेती हूँ एक बार, क्योंकि जब मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं और अगर वो परेशान हो रहे हैं किसी चीज से तो मुझे भी एक्चुअल में देखना चाहिए ना कि आखिर इसके लिए में है क्या जो सब लोग मंगा रहे हैं और उसके बाद परेशान हो रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा चलो यूज करके देखते हैं। तो मैं आपके सामने यूज कर रही हूँ, थोड़ा परेशान तो मैं भी हो रही हूँ। आज मैंने चौक पेंट का यूज किया है। चौक पेंट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैट फिनिश होती है ना, तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। और कलर भी आज बहुत डिफरेंट है, ये कलर मैंने पहली बार यूज किया है, खोले ही पहली बार है आज मैंने। दोनों ही कलर बहुत ही सुंदर है। और साथ में जो ब्राउन कलर लाइनिंग दी है बॉर्डर वाली, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो तीनों ही मैट फिनिश में कलर लगा दिए आज मैंने। कलर तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और बनने के बाद में जो हमारी आर्ट है वो लग तो बहुत अच्छी रही है। थैंक गॉड बस वो ड्राई होने के बाद में क्रैक ना हो। और यहाँ मैंने मिरर भी लगा लिए क्योंकि मिरर के बिना तो लिप्पन आर्ट अधूरी है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मिरर के बिना कैसे बनाएं, तो मिरर की जगह आप स्टोन यूज कर सकते हो, कुंदन यूज कर सकते हो, बहुत तरह की चीजें हैं आप जो लगा सकते हो। आजकल तो कलर कांच भी आ रहे हैं, वो लगा सकते हो। पर कुछ तो लगाना ही पड़ता है तभी तो आर्ट अच्छी लगेगी, नहीं तो आप कैसे उसको डेकोरेट करोगे। तो आप जो भी चाहे वो लगा सकते हैं, बिना मिरर के भी बना सकते हैं, कुंदन वगैरह लगा सकते हैं आप। मैं भी कई बार एक आध बार लगा लेती हूँ, कड़े ते हैं मेरे पास में, तो मैं भी यूज कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है तब। चलिए अब हमारा कलर भी हो गया, हमारे मिरर भी लग गए, सारी आर्ट कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैंने ये बिग मिरर लगा दिया क्योंकि आज मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा मिरर यूज किया है और काफी सुंदर लग रही है बनने के बाद में। अब इसको ड्राई होने देते हैं। तो देखा आपने, मैंने इस क्ले से जो लिप्पन आर्ट बनाया है वो ये पीस है। और इस क्ले से मुझे लिप्पन आर्ट बनाने महसूस हुआ कि वाकई में आप लोगों को बहुत परेशानी आई होगी इस क्ले से काम करते वक्त, खासतौर से लिप्पन आर्ट बनाते वक्त। कोई थिक चीज बना रहे हैं, कोई मोल्ड में लगा के बना रहे हैं तो शायद ये काम कर जाएगा, लेकिन जो हम डोरी बनाते हैं उसके अंदर तो मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हो गई और उसके बाद में भी ये परफेक्ट नहीं आया। यानी कि आपके कमेंट सही थे। जब मैंने इसको बना लिया था और इसके ऊपर कलर कर लिया था तो हल्का सा गीला था, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं बाद में क्या होगा। पर आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह से क्रैक हो गया, जबकि मैंने काफी थिक डोरी लगाई है उसके बावजूद भी। जो मैंने जॉइंट्स लगाए थे पानी का एक सा करके, वो भी खुल गए, वो जॉइंट्स परफेक्ट नहीं बने। जो मैंने डोरी से कट लगाया था तो कहीं कहीं कट थोड़ा जैसे ज्यादा हो जाता है तो वहां से वो क्रैक हो गया। तो ये क्ले से हम लिप्पन आर्ट बनाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि परफेक्ट डोरी हमारी बन सकती है। हाँ, अगर मोल्ड में यूज कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से, क्योंकि मोल्ड में यूज करने के बाद में जो थिक चीज निकल के आती है तो वो तो हम स्टिक कर सकते हैं, बट वो भी ड्राई होने के बाद में श्रिंक हो जाएगी।
तो उतना स्पेस हमको लेके चलना है इसके अंदर। अगर मैंने कलर नहीं किया होता तो शायद मुझे इतना जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन कलर करने के बाद में जब वो क्रैक हो गया तो वाइट वाइट अलग से दिखने लग गया। ऐसे ही जब मैंने ये फ्लावर लगाए हैं तो फ्लावर के बगल से स्पेस जो है खाली हो गया, जब वो फ्लावर ड्राई हुआ तो वो श्रिंक हो गया, श्रिंक होने के बाद में उसने अपनी जगह छोड़ दी। तो ये सब चीजें मुझे जब ड्राई हो गया उसके बाद पता चला कि कितना श्रिंक हो रहा है, कितना जगह से क्रैक हो रहा है। साथ ही जो जॉइंट है वो देखिए आप पूरा खुल गया जॉइंट, जबकि मैंने ये पानी से अच्छी तरह से जॉइंट लगाया था, आप देख सकते हैं कि पूरा खुल गया। अगर इस तरीके से ये क्ले जॉइंट और हमारी डोरी को परफेक्ट नहीं बनाएगा तो फिर हम इसे लिप्पन आर्ट कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ मोल्ड में यूज हो सकता है, जैसे मैंने मोल्ड में किया है यूज, तो मोल्ड में यूज हो सकता है। साथ ही हम इसके फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो ड्राई होने के बाद ही आप उसे यूज कर सकते हो। काफी सारी मेहनत भी लगी इसको एक्सा करने में, टाइम भी लगा, लेकिन ठीक है क्ले अच्छा है। बट कुछ क्ले ऐसे होते हैं जिसे हर चीज में यूज नहीं किया जा सकता, जैसे ये लाइनिंग वर्क में ये क्ले यूज ना होकर के में अच्छा यूज हो जाएगा। तो देखा आपने इस क्ले को यूज करने में हमें कितनी परेशानी भी आई, साथ में मालूम भी चल गया कि इस क्ले को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कार्डबोर्ड पर लिप्पन आर्ट लेकर आऊं, इस वीडियो पर 100 कमेंट होने पर मैं आपके लिए कार्डबोर्ड पर लिप्पन आर्ट लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई आर्ट के साथ। बाय बाय।